हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। और गाइस, दिन की शुरुआत होती है इन सुहावने से मौसम के साथ और पहाड़ों के साथ, जो कि दोबारा मैं एक बार आपको दिखा दूं। और यहां पर है मिस्टर गुगलू गुगली मुगली। गुगलू मुगलू का थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल इसने थोड़ा सा नॉनवेज खाया, और जब भी ये नॉनवेज खाता है इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग्स करना शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल इसको मेडिसिन दे दिया है, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। तो देखते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम बनता है। और अभी तो रीमा भी बाथरूम में घुसी हुई है। कुकली होंगी है इसको, मैं बड़े प्यार से कुकली कहते हो। देख सारे पैर गिने लगे। तो गाइस लीजिए, यहाँ पर बनी शुरू हो चुकी है सुबह की गर्मा गर्म चाय। और ये है सूखा दूध, और इससे काफी अच्छी चाय बनती है। और ये माँ की भी शक्ल देख रही है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह टाइम भी हो रही है, लगभग 7:30 या 7 बजे, मैंने नहीं देखा। और यहाँ आके हम बिल्कुल जल्दी, कोई जल्दी जल्दी नहीं है गाइस। एक तो गुगलू ने तंग किया, और गुगलू सोने नहीं देता, उसके कारण भी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। कुछ इसके कारण भी बड़ी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि रात को ये कहती है मुझे नींद नहीं आई, और वही कोई भूत दिखाई दे रहा है, कोई कुछ, कोई खड़ा दिखाई दे रहा है, कोई कुछ दिखाई दे रहा है। इसको बड़ा डर लगता है। रात को कह रही थी चलो पठानकोट पठानकोट चलो, बड़ी मुश्किल से सोई गाइस अपने रात को, मुझे ना अपने बेड के अलावा नींद नहीं आती। तो इसको भूत प्रेत बड़े दिखाई देते हैं रात को। सामने थोड़ा सा आपको मालूम है कि गार्डन है, तो इसलिए भी मैं करता हूँ ऑन ऑन मैं करता हूँ नॉनस्टिक चला देता हूँ नॉनस्टिक पे। और गार्डन ने लिया हम एक चीज, बड़ा गलती किया रात को, मैं बड़ा एक छोटा कुकर ले लेती हूँ ना प्रेस पीस के, बड़ा मज़ा आना था ना बोलो। और ये देखिए हमारी चाय भी गरक रही है, और यहाँ मैं ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ बटर के साथ। थोड़ा ऊँची करो, टाइम लगेगा। अच्छा, इस तरह बिल्कुल आस्था से घुमाओ ना, मैं ऐसे करती हूँ, सही हो जाता है ये। इसका ना जो चूल्हा ना, इसका ये घूमने वाला ना, ये पता नहीं घूमता रहता, गैस कम बड़ी कम होती है, कभी हो जाता है कभी नहीं होती है। तो ये होता है ऑनलाइन चीज़ें मंगाने का। तो गाइस ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे के साथ कानव कितने मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं। भी मैंने दिखा दिया मॉर्निंग व्यू, दिखा दिया, थोड़ा दिखाना तो बनता है ना। देखो सच में गाइस ऑसम व्यू एंड प्लेस ना, यही हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसे लाइफ होता है। और गुगलू देखो, तो इस गुगलू की तबीयत भी नहीं ठीक, और ये नहीं बताना कहाँ पर है, बताया तूने बीच बीच में नीचे वो निकल गया होगा, बाक्सू किया गया, हमने बोला भी था। तो अभी गाइस हम बता देते हैं, हम हाँ नड्डी विलेज में। तो ये जो आप सारा व्यू देख रहे हो, ये नड्डी विलेज का है। और भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे नए नए कमरे का है, नदी दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेस है। स्कूल भी है, एक डिविजन स्कूल भी है, और एक मेडिटेशन सेंटर भी है ना, कौन थी निर्मला देवी की, निर्मला देवी का वो तो ऊपर ही है, साथ ही है यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस। जब कनक और मैं पहली बार आए थे हम गई हुई थे, बहुत ही अच्छी जगह है माता के। और ये है यहाँ बहुत ही अच्छी, आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल शांति है। स्थिति से तो मैकलरगंज धर्मशाला से काफ़ी शांति है, मैं कहता धर्मकोट से भी बेस्ट है। ये है कि जहाँ पर हमारा हमारा रूम है, उसी के साथ ही रहने की दुकान भी है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस की 2 कदम पे ही। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हर तरह का सामान मिल जाता है, हर तरह का कहने की मीन्स की चप्पलें तक भी मिल जाती है, आटा चिकन एवरीथिंग, हर जो मर्जी चीज़ में ले लो, तो बिल्कुल साथ ही दुकान है। तो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, और वो भी रिजनेबल रेट पे, जो लोकल रेट पे, और मैं कहता हूँ उधर से भी सस्ते मिलती है यहाँ। तो चले हम करते हैं चाय के एंजॉय।
तो गाइस हम थोड़ा क्लीनिंग क्लीनिंग कर रही है, नहीं कि हम बाहर आए हो कहीं रह रहे हो, साफ सफाई ना करे। कनव भी मेरा हेल्प कर रहा है, कनव कर रहा है बर्तन और मैं धो रही हूँ कुछ कपड़े, बस आपने झाड़ू मारना है, मैंने पोछा भी लगाना है और कनव करेगा डस्टिंग, ठीक है। नहीं ऐसे करके काम हो ही जाता है। मैंने तो गाइस मुझे दुलाने लगाया क्या, और ये मेरे को आप कमेंट करके बताना, कनव पंजाब में टी शर्ट में रहते हैं, ठीक है, यहाँ आके इसको कितनी की गर्मी बनियान में रह रहा है। मेरे को इस चीज़ से कोई कुछ हैरान नहीं। अच्छा, मैं देखो गाइस बताऊँ, कहती है मैंने कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोने हैं, तो मैं टी शर्ट में उतार दूँ धोने के लिए, तो कहती हूँ उतार तो ये घुगनी बड़ी खुश घुगरू मुझे ही देखी। मेरा प्यो बड़े बटन धो रहा है उधर, हैरान है मेरी माँ की जगह ये कि वो किचन में है, बड़ा खुश है, कहता गुड मैन गुगली। तो चले अभी कर देते सुबह का हमारी जो भी काम है फटाफट ही। गाइस यहाँ पर अभी ही गुगलू ने नहाई कर लिया और गुगलू बिल्कुल ही फ्रेश हो गया, तो रीमा अपने ड्रायर से उसको थोड़ा सा सुखा रही है। रीमा कह रही है गुगलू का ही ड्रायर है और गुगलू काफ़ी कल बारिश में घूमा, बागशू गया, मकरोड़गंज गया, तो सारा गंदा हो गया था, सारी मिट्टी लग गई थी, तो रीमा ने सोचा कि चलो इसको नहला ही देते हैं। तो अभी बस ड्राई हो रहा है और इसके बाद इसने पता क्या करना है, अभी इसके बाद इसने बड़े अच्छे से सो जाना है, इसने फिर घंटा डेढ़ घंटा सो रही, पहले तो इसने मलना है फिर उसके बाद इसने सो लेना है। तो गाइस मैं अभी बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में सिंपल मैगी होगी और ये हमने कल छली लिया था, ये हमने उबाल दिया हुआ है अच्छे से, ये देखिए इसी मैं बना लूँगी। तभी मैं प्याज चॉप कर रही हूँ, अभी गुगलू का खाना भी बनना है। बड़ी टेस्टी अल्टीमेट बनी ना। हाँ बड़ी टेस्टी बनी गाइस, बस हमने एक गलती की, फोक नहीं लाया हम, कोई ना ले लेंगे आज, चम्मच से गुजार ले लेंगे आज, खरीद लेंगे ना। तो चलिए एंजॉय करते हैं मैगी का, और ये व्लॉग में हमारे ये व्लॉग में देखो हम बाहर जाएंगे तो बाहर का दिखाएंगे, नहीं तो आपको धारा मिलेगी खाने पीने की, है कि नहीं। जो हम दिन भर गुगलू तो नहा दो बिल्कुल रेस सो रहा है, कपड़े भी डाल दिया हुआ उसको, और देखते कनफ ने तो नहा लिया हुआ है, मैं खा के फटाफट नहा के रेडी हो गए फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम जैसे तैसे करके बारिश बीच में आई थी और हम बारिश रुकने के बाद हम निकले हैं थोड़ी घूमने। दाल लेक के नीचे एक तिपिदिन स्कूल है, ये देखिए पहले भी हम काफ़ी बार आ चुके हैं, ये देखिए। और गुगलू ने आज तो बड़ा ही तंग किया मेरे को, तो काफ़ी इरिटेट किया था इसमें, कभी ये भाग रहा है कभी, और कपड़े का हाल देखा कुछ मेरी मिट्टी। अभी कनव काबू कर रहा है, और कनव को मैं बोल रहा हूँ इसको आदत नहीं, थोड़ा दूर रखो, लंबी लीस करके इसने देख लो। इस बार कोई मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों अभी तक फ़िलहाल मेरे को। तो हम गए से कल तो सारा दिन बारिश में भीगते रहे, आज तो हम छाता लेके ही आए हैं, और मुझे मालूम था कि हम छाता जब लेके आएंगे ना बारिश तो होने वाली नहीं है, तो इसलिए हमने छाता जरूर कैरी किया। तो गाइस ये है यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर सी मोनेस्ट्री जो कि फ्लैग मोनेस्ट्री है, जो कि डल लेक, किसी ने आना हो तो डल लेक में स्कूल है तिब्बतियंस का, वहाँ पर थोड़ा सा हाइट में जाके है, काफ़ी हाइट के ऊपर है। तो गाइस ये है यहाँ की मोनेस्ट्री जो कि कह सकते हैं फ्लैग मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री की एंट्रेंस
जो कि शाम को आई थिंक सो खुलता होगी, तो मैं भी थोड़ी सी वेट करके जाएंगे।